अच्छा जी जेंटलमैन, आज का टॉपिक है क्वालिटीज ऑफ ए ट्रू लीडर। एक ट्रू लीडर की क्वालिटीज कौन सी होती हैं? ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है इनिशियल इंटरव्यू से पहले एसए के लिए, इनिशियल इंटरव्यू में स्पीकिंग टॉपिक के लिए भी, आईएसएसबी के एसए के लिए भी, आईएसएसबी लेक्चरेट और आईएसएसबी ग्रुप डिस्कशन, इन चीज़ों के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम देखेंगे कि एक ट्रू लीडर की कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं। सबसे पहला पॉइंट है जी, एक ट्रू लीडर का एक विजन होता है। ट्रू लीडर हैज ए क्लियर विजन फॉर हिज कंट्री एंड वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर इट्स पीपल एंड कंट्री। एक ट्रू लीडर वो होता है जिसका एक क्लियर विजन होता है अपने मुल्क के लिए और वो कुछ करना चाहता है अपने मुल्क के लिए और अपने लोगों के लिए। दूसरा पॉइंट है जी, कम्युनिकेशन। एक ट्रू लीडर में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होती है जिससे वो कन्वे करता है अपना विजन और अपने आइडियाज अपने कौम की तरफ। तो कम्युनिकेशन भी एक ट्रू लीडर में होनी चाहिए। इसके बाद जी, तीसरा पॉइंट है, एक ट्रू लीडर में रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है। लीडर, ट्रू लीडर इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल। इसके बाद पॉइंट है जी, कॉन्फिडेंस। ट्रू लीडर डिमॉन्स्ट्रेट सेल्फ एश्योरेंस, इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन इन टीम। हकीकी लीडर टीम में खुद एतमादी और हौसला अफजाई का भी मुजाहरा करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी, एम्पावरमेंट। ट्रू लीडर हमेशा एम्पावर करता है, वो जाती तरक्की की हौसला अफजाई में रहनमाई फराहम करने का काम सौंप कर दूसरों को बाइख्तियार बनाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी, रिजिलियंस। लीडर स्टे डिटरमाइंड एंड कंपोज ड्यूरिंग चैलेंजेस, डिस्प्लेइंग रिजिलियंस एंड प्रिजर्वेंस। एक रिजिलियंस कहते हैं लचक। एक ट्रू लीडर वो होता है जिसमें लचक होती है, जो कि चैलेंजेस का सामना करता है, चैलेंजेस को बर्दाश्त करने वाला। इसके बाद है जी, लिसनिंग। जो भी ट्रू लीडर होता है वो एक्टिवली, लीडर्स एक्टिवली लिसन्स टू अदर्स, वैल्यूइंग देयर ओपिनियंस एंड फीडबैक। उसको जो भी उसका टीम मेंबर बात करता है वो उसकी बात का वैल्यू देता है, उसकी बात को रिस्पेक्ट देता है, उसकी ओपिनियन को, और एक अच्छा फीडबैक देता है। यही एक लीडर की निशानी होती है। इसके बाद है जी, पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा अच्छा लीडर, दे मेंटेन ए पॉजिटिव अपलिफ्टिंग दोज अराउंड देम। वो हमेशा अपलिफ्ट करता है उनको जो के उसके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, उसकी टीम। इसके बाद है जी, कोलेब्रेशन। कोलेब्रेशन कहते हैं जी इश्तराक को। लीडर्स इनकरेज टीम वर्क एंड फॉस्टर ए कोलेब्रेटिव एनवायरमेंट फॉर अचीविंग कॉमन गोल्स। लीडर वो होता है जो कि टीम वर्क जब वो करते हैं वो इश्तराक करता है, मिल के काम करता है, ताकि वो और उसके जो टीम होते हैं वो अचीव कर सके उनका जो कॉमन गोल होता है। कॉमन गोल के लिए, अचीव करने के लिए वो सब मिलकर काम करते हैं, तभी वो अपने गोल को अचीव करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। एक ट्रू लीडर वो ही होता है, दे अप्रोच चैलेंजेस विद अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट, सीकिंग इनोवेटिव वेज टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। लीडर में प्रॉब्लम सॉल्व करने की सलाहियत होनी चाहिए, होती है। जब भी चैलेंजेस आते हैं, कोई रुकावटें आती है रास्ते में, लीडर अच्छी तरह से सोच के उन सॉल्यूशन, उसके लिए सॉल्यूशन, रुकावटों के लिए सॉल्यूशन तैयार करते हैं। वो ही लीडर की क्वालिटी होती है। इसके बाद है जी, मेंटरशिप। मेंटरशिप कहते हैं जी सरपरस्ती को। ट्रू लीडर्स मेंटर एंड गाइड अदर्स, हेल्पिंग देम डेवलप देयर स्किल्स एंड रीच देयर फुल पोटेंशियल। हकीकी जो लीडर्स होते हैं वो दूसरों की जहनी रहनुमाई करते हैं, जो उनकी महारतों को फरोग देने और उनकी मुकम्मल सलाहियतों तक पहुंचने में उनकी मदद करते हैं। ये एक ट्रू लीडर होता है। इसके बाद है जी, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस एक ट्रू लीडर में होना चाहिए। ट्रू लीडर्स अंडरस्टैंड एंड मैनेज देयर इमोशंस एज वेल एज द इमोशंस ऑफ अदर्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ट्रू जो लीडर होता है वो मैनेज करता है, वो अपने उसके जो इमोशंस होते हैं उसको भी वो अंडरस्टैंड करता है। इसके साथ साथ वो बाकी जो लोग होते हैं उसके टीम, उसके इमोशंस को भी वो मैनेज करता है, अंडरस्टैंड करता है, ताकि उसका जो रिलेशनशिप हो वो मजीद भी स्ट्रॉन्ग वो बिल्ड कर सके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी, अकाउंटेबिलिटी। लीडर्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर मिस्टेक एंड लर्न फ्रॉम देम, सेटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी कहते हैं एहतसाब को। लीडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपनी गलतियों का, अपनी गलतियों से सीखता है, यानी एहतसाब भी एक लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए और होती है। इसके बाद है जी, ट्रस्टवर्दी। ये कहते हैं अमानतदार को। लीडर्स आर रिलायबल एंड कीप देयर प्रोमिसेस, अर्निंग द ट्रस्ट ऑफ देयर टीम। लीडर वो होता है जब वो किसी काम का कहता है वो फुलफिल भी करता है अपने वादे, जब कोई वादा करता है उस वादे को पूरा भी करता है, जिससे उसका जो टीम होता है
उसका एतमाद उस पर मजीद बढ़ता है जब अपने वादे को पूरा करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी क्रिएटिविटी। लीडर्स थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड मेक न्यू वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। लीडर्स जब भी होते हैं, जो भी होते हैं, वो आउटसाइड सोचते हैं बॉक्स से और न्यू तरीके इजाद करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है जी फीडबैक। लीडर्स प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू हेल्प देयर टीम मेंबर्स टू ग्रो एंड इम्प्रूव। लीडर्स हमेशा अच्छा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं जिससे उनकी टीम मेंबर्स ग्रो भी कर सकते हैं और इम्प्रूव भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन कहते हैं मुतासिर करना। दे इंस्पायर एंड मोटिवेट अदर्स थ्रू देयर वर्ड्स एक्शंस एंड पॉजिटिव एनर्जी। लीडर वो होता है हमेशा जो कि इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है अपने टीम को अपने अल्फाज के साथ, अपने एक्शंस के साथ और पॉजिटिव एनर्जी के साथ। ये होता है लीडर। जेंटलमैन, ये तो हमने कर लिया, टॉपिक था क्वालिटीज ऑफ ट्रू लीडर। मैंने आपको बताया इनिशियल में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ISSB के लिए भी। अगर आप इनिशियल की तैयारी कर रहे हैं या ISSB की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी किस्म के या आप ऑनलाइन क्लासेस देना चाहते हैं, ये आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है, इस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड करेंगे फैसिलिटीज इनिशियल के क्लास में। कंप्लीट इनिशियल टेस्ट की भी तैयारी होगी आपकी, इससे राइटिंग की आपकी कंप्लीट तैयारी होगी। जो जो टॉपिक्स रिपीट होते हैं वो सब हम आपको तैयार करवाएंगे और सब टॉपिक्स आपको मिलेंगे। डेली रोजाना हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस की क्लास होती है जहाँ पे आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं। जब आप आगे जाते हैं इंटरव्यू में, स्पीकिंग के लिए आपको टॉपिक मिलता है वो हम आपकी यहाँ पे तैयार करवाते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू की आपकी कंप्लीट तैयारी होती है, आपसे मॉक इंटरव्यूज लिए जाएंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या क्या मिस्टेक है। हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवाते हैं, मेरिट्स, डीमेरिट्स, हॉबी, स्पोर्ट्स, इसके अलावा व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आर्मी, इन सब सवालों की हम आपकी तैयारी करवाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप यूट्यूब से तैयारी करें तो यूट्यूब चैनल का नाम है ISSB स्मार्ट स्टडी। इस चैनल पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, ये आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे रابطہ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह आप सबको कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज़।